रिफ्रैक्शन ऑकर्स बिकॉज द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ मीडियम थ्रू विच इट ट्रेवल्स। मतलब जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसकी वेलोसिटी डिपेंड करती है डेंसिटी ऑफ द मीडियम पे। हमारे मीडियम की डेंसिटी कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करती है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वेलोसिटी, और इसके कारण ही रिफ्रैक्शन होता है। तो जिस तरीके से लाइट में रिफ्रैक्शन होता है उसी तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन इज बेंडिंग ऑफ सिग्नल्स एज इट पासेज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। रिफ्रैक्शन कॉजेज डिग्रेडेशन इन सिग्नल स्ट्रेंथ एंड समटाइम लॉस ऑफ कम्युनिकेशन इन पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स। सो रिफ्रैक्शन से हमारे सिग्नल की स्ट्रेंथ भी कम होती है, प्लस वी इवन कैन लॉस पॉइंट टू पॉइंट लिंक, क्योंकि जब रिफ्रैक्शन होता है तो जो पॉइंट टू पॉइंट लिंक है वो इस्टेब्लिश नहीं हो पाता है और सिग्नल कहीं और डिफ्लेक्ट हो जाता है रिफ्रैक्शन के कारण, क्योंकि जब वो दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है तो उसकी वेलोसिटी चेंज होने के कारण वो डिफ्लेक्ट हो जाता है। डोंट बी कन्फ्यूज विथ रिफ्लेक्शन। इन रिफ्लेक्शन द सिग्नल आफ्टर स्ट्राइकिंग द सर्फेस ऑफ अनदर मीडियम रिटर्न बैक टू सेम मीडियम, एंड इन रिफ्रैक्शन द सिग्नल पेनिट्रेट्स इन टू अनदर मीडियम विथ डाइवर्जन फ्रॉम ओरिजिनल पाथ ऑफ सिग्नल्स। तो हमने पहले रिफ्लेक्शन पढ़ा था और अभी रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं। तो ये दोनों में बहुत ही डिफरेंस है, भले ही नाम इन दोनों के थोड़े बहुत सेम लगते हैं बट दोनों में बहुत डिफरेंस है। रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जो हमारा सिग्नल है वो वापस टकरा के सेम मीडियम में वापस आता है तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन, और रिफ्रैक्शन मतलब हमारा सिग्नल जो है वो एक मीडियम से होते हुए दूसरे मीडियम में जब ट्रैवल करता है और साथ ही साथ जो उसके ओरिजिनल पाथ है उसमें उसका बदलाव आता है तो उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो ये दोनों टर्म में बहुत बड़ी डिफरेंस है। तो चलिए इसे समझते हैं हम पिक्चर के जरिए। इसमें हमारा इंसिडेंट रे ओरिजिनल सिग्नल हो गया, तो जैसे ही हमारा ओरिजिनल सिग्नल टकराता है दूसरे मीडियम के सरफेस से वो रिफ्रैक्ट हो जाता है और उसको बोलते हैं हम लोग रिफ्रैक्टेड रे। तो इस तरीके से हमारा सिग्नल बेंड हो जाता है जब हम ट्रैवल करते हैं वन मीडियम टू अनदर। इसमें हम एयर टू वाटर ट्रैवल कर रहे हैं, एयर की डेंसिटी कम होती है एज कम्पेयर टू वाटर, सो जो सिग्नल है हमारा वो बेंड हो जाता है टुवर्ड नॉर्मल। तो ये पूरे इफेक्ट को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो ये हो गया हमारा प्रोपगेशन इफेक्ट पूरी तरीके से खत्म। होप आपको ये समझा होगा, एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू इंजीनियरिंग नेशन फॉर मोर।